चाहूंगी कि आप सभी भी मेरे साथ में मिल करके एक ही आवाज में मन से भी बोलेंगे, क्योंकि आप 3 दिन से लगातार ओम शांति का अर्थ सुनते आए हैं। तो अभी आप जो कुछ बोलेंगे वो मन से ही बोलेंगे, तो मन से भी बोलेंगे और मुख से एक ही साज में मेरे साथ में बोलेंगे, मेरे साथ में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, बहुत अच्छा। आप सभी भी ये महसूस करते हैं आकर के कि हर व्यक्ति के लिए जीवन में राज्यों की कितनी आवश्यकता है। शांति सभी को चाहिए। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहे नहीं नहीं मुझे मेरे जीवन में शांति की दरकार ही नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म वाला हो, वर्ग वाला हो, आयु वाला हो, हर एक चाहता है हमारा मन शांत हो। शांति भी चाहिए, खुशी भी चाहिए और फिर प्रेम भी चाहिए। सबके साथ अगर कोई हमारे से प्रेम से बात न करे तो हमको थोड़ा दुख महसूस होता है, परंतु सभी प्रेम से बात करते तो सभी को अच्छा लगता है। एक छोटा बच्चा गोदी में होता है ना, 1 साल वाला, उसको भी आप ऐसे मुस्कुराओ तो वो भी वाइब्रेशन कैच करता है, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी नाचने लग जाते हैं। तो खुशी, शांति, शक्ति, प्रेम, ये सब आत्मा के निजी गुण हैं और हर आत्मा को चाहिए। इनकी चाहना है, परंतु चाहना के साथ सच्ची राह नहीं मिली, इसलिए उनसे हम विंचिती रहे। अब इस राज्यों के अनुभव के आधार से आप सभी ये महसूस कर चुके हैं कि हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है, और वर्तमान स्थिति को आप सभी जानते हो। और भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि संसार के ऊपर दुख के पहाड़ पिछाड़ी पहाड़ गिरते ही जा रही है। लोग अति में जाएंगे तो अति का अंत तो होता ही है, तो अति में विकारों का अंत है। पहले विकारों का फोर्स है, शुरू शुरू में सतयुग के आदमी तो देवी देवता में विकार था नहीं, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, इसलिए वो सुखमय दुनिया थी, दुख का नाम निशान नहीं था। उस जमाने में हॉस्पिटल भी नहीं थी, क्योंकि न मन का रोग, न तन का रोग, न संबंध में कोई अप्यार की बात हो, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा। एक धर्म, एक राज और समाज में एक ही प्रकार की मत थी, दैवी मत, इसलिए लड़ाई झगड़े का नाम निशानी नहीं था। उस दुनिया से हम अभी विंचित है, क्योंकि मालूम नहीं है कि सतयुग कैसा था। लोग तो कहती है जो कलयुग में राम रावण कंस कृष्ण ये सब साथ साथ चले आए हैं, सतयुग में भी ऐसे ही होगा, त्रेता युग में भी ऐसे राम के साथ रावण, द्वापर में भी ऐसे। लेकिन भगवान जो सृष्टि का रचता है, जो सृष्टि का पिता है, उसने क्या हमको बताया है? जो उस पिता ने बताया है वो हम सब के लिए बात है। उस पिता ने बताया है बहुत अच्छी से अच्छी बात, क्योंकि जानने वाला तो वही है त्रिकालदर्शी। तो बच्चे, सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं, अभी दुख अपार है, इतने दुख हैं कि आप इतने सब डॉक्टर लगे हुए हैं, जितने भी बीमारियां हैं उनके नाम भी अलग अलग है, और बीमारियां भी नई नई, बीमारियों का भी अंत नहीं है। ऐसी भी बीमारियां हैं जिनका पता ही नहीं लगता है उनकी आद क्या है, इसका अंत कैसे होगा, वो डॉक्टरों को भी पता नहीं लगता है, क्योंकि डॉक्टर तो फिर भी मनुष्य है ना। परंतु भगवान ने बताया है इन सब बीमारियों का मूल कारण क्या है। सबसे पहले इलाज होना चाहिए उस चीज का। ये भी ठीक है, समय ऐसा है, हमको ये इलाज भी करना है और करते भी रहते हैं, लेकिन भगवान ने हमारा ध्यान खिंचवाया है कि सबसे मूल इलाज है इस आत्मा का। आत्मा में विकारों का इतना फोर्स है अंदर, विकार गहराई में चले गए हैं, विकार संस्कारों में चले गए हैं, न सिर्फ हमारे कर्म में है परंतु हमारे मन में विकारों का वास है। विकार भी कोई छोटे मोटे नहीं,
बड़े बड़ों का नाम तो आप सबने सुना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये पांच तो बड़े बड़े विकार हैं। फिर उनके बाल बच्चे भी हैं, फिर उनके पोतरे दोतरे भी हैं, ईर्षा, द्वेष, परचिंतन, घृणा दृष्टि, वैर भावना, फिर जिद का संस्कार, शक का अनुमान भी एक बहुत कड़ी बीमारी है। मेरे सामने कई ऐसे मिसाल आती हैं, अनुमान के कारण लड़ाइयाँ लगती है घर में। पति का अनुमान है कि ये उनसे क्यों बात करती है, जरूर कुछ बात होंगी। पत्नी कहती है तुम उनसे क्यों बात करते हो, आधा घंटा आप उनके साथ खड़े रहे, हंसते रहे, बैलते रहे, जरूर कोई बात है। अनुमान के कारण घर घर में लड़ाइयाँ हैं, घर घर में झगड़े हैं। तो मानो संबंध में इतना तो विकारों का फोर्स आ गया है कि मन के अंदर ईर्षा, द्वेष, पर चिंतन, पर निंदा वो घर कर गए हैं। ऐसी कड़ी बीमारी जो लग गई है 63 जनों से, मानो द्वापर से, तो वो जो बीमारी लग गई है उससे हमको छूटना है। हमारे मन की चाहना है कि बस प्रभु हमको छुड़ाओ, इन विकारी बंधनों से हमको छुड़ाओ। गीत हम सब प्रेम से गाते हैं भक्ति मार्ग में, मंदिरों में जा जा करके, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, भगवान को कहते हैं तो हमारे विषय विकारों को मिटाओ, पाप हरो देवा। तो भगवान कहते हैं तुम पाप करो और हरूं मैं, हरने का काम मेरे पर और करने का काम तुम्हारा, तुमने किया तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि परमात्मा ऐसे आशीर्वाद का हाथ फेर देगा, आज जमाना है आशीर्वाद का, सभी भाई आएंगे, बस बहन जी आशीर्वाद कर दो। हम कहते भाई आशीर्वाद आप हमसे क्यों मांगते हो, आप आशीर्वाद का एक हाथ अपने सिर पर रख दो कि मुझे इस पढ़ाई को पढ़ना है, मैं बीमार हूँ मुझे छूटना है, उस छूटने के लिए हॉस्पिटल में तुमको जाना है। तो बाबा ने जगह जगह ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दी है सबके इलाज के लिए, क्योंकि आज सारा संसार बीमार है। मैं देखती हूँ हॉस्पिटल भी है, परंतु ऐसा लगता है भगवान के महावाक्य के अनुसार कि ये सारा संसारी हॉस्पिटल है, सब बीमार है, बेड पर पड़े हुए हैं, दवाइयाँ अनेक प्रकार की मिलती रहती हैं, थोड़ी बहुत दवाई खाती है थोड़ी बहुत शांति आती है, परंतु अंदर जड़ में तो बीमारी चली गई है ना, जड़ से बीमारी नहीं निकल सकती। तो बाबा ने हमारी बीमारी को जड़ से निकाला, पहले तुम स्वयं को पहचानो तुम कौन हो, अपने निज स्वरूप को पहचानो। इस स्वरूप का पक्का भान है, आप सब डॉक्टर्स बैठे हैं, सबको पता है हम डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, डॉक्टर का भान है आपको, अपने नाम का अपना भान है, मैं फलाना हूँ, ये मेरा स्वरूप है, नारी को पता है मैं फलानी नारी हूँ, परंतु ये सब है विनाशी दे, ये तो एक ऊपर का साधन है, इसके अंदर मैं चेतन ज्योति आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का हो जाए निश्चय में। अभी आपको थोड़ा सा ज्ञान मिला है, समझते ये बात अच्छी है, परंतु इसमें आपका निश्चय पक्का हो जाए। निश्चय के आधार से ही जो दिव्य गुणों की धारणा है ना, वो आत्मा के निश्चय से, पिता परमात्मा में निश्चय रखने से हमारे अंदर सुतई ही दिव्य गुणों की धारणा होती है, जिनकी बहुत जरूरत है। नैतिकता भी चाहिए हमको, समाज में कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है, तो कई बार धर्म और आध्यात्मिकता में थोड़ा सा वो अंतर कर देते हैं, अंतर भी मानते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं धर्म की बात तो बहन जी अलग है ना। हम कहते हैं धर्म तो देहधारियों का है, जैसे कोई कहेंगे मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ, आज धर्म को स्थूल रूप दिया गया है, हम कहते वो तो देह के धर्म है, यहाँ आत्मा के धर्म की बात है। आत्मा परमात्मा की संतान है, परमात्मा का एक धर्म है, हम उसके बच्चे हैं, हम सब का एक धर्म है, स्वधर्म है पवित्रता और शांति। इस धर्म में दुख और शांति नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो कोई भी हो, सबके लिए ये एक ही स्वधर्म है कि हम आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता और शांति। इसमें टिकने से ऑटोमेटिकली मन के विचार शुद्ध होते हैं, सबके प्रति भाव शुद्ध होता है कि सब ईश्वर पिता के बच्चे हैं, ये सारा संसार हमारा परिवार है। जब तक ये भाव पैदा नहीं होगा, आत्मक भाव पैदा नहीं होगा, आत्मक स्मृति नहीं रहेगी,
तब तक हम किसी की इस प्रकार से सेवा भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मनुष्य चोले में ना स्वार्थ भाव होता है, लेकिन भगवान के बच्चे हैं उस भाव से, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिस किसी को देखेंगे, गरीबों को देखेंगे, शाहूकार को देखेंगे, परंतु आपको ये लगेगा बीमार को मुझे ठीक करना है, चाहे वो कैसा भी बीमार हो, किस भी रूप वाला हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दुख है आत्मा को, अब उस आत्मा को दुख से छुड़ाना है। तो डॉक्टरों के अंदर रहम भाव भी होना चाहिए, जबान में मधुरता भी होनी चाहिए और निस्वार्थ भाव। पहले हमारे कमाई के लिए है, क्योंकि इस युग में हम कमाई नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, परंतु कुछ बातें हम समझ करके करेंगे तो हमारे को दवा भी देते रहेंगे, उनकी दुआ हमको मिलती रहेगी। दुआ भी एक बहुत बड़ा खजाना है। कोई प्रेम से सेवा करे तो दर्दी के मन से क्या आवाज निकलता है, तो जो आवाज निकलता है वो आपके परिवार के लिए, आपके लिए बहुत ही सुखदायी होगा। आपको कई मुसीबतें भी आएंगी ना, तो दुआओं का स्टॉक आपके साथ जमा होगा तो आप मुसीबतों से पार चले जाएंगे। हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, हमारी जो हमारे से भी बड़ी दादियाँ हैं, हमने अपने माता पिता को देखा जिन्होंने इतनी अथक सेवा की, सबकी रूहानी सच्ची सेवा की, निस्वार्थ भाव से खिलाया पिलाया, सब निस्वार्थ भाव से। तो आज परमात्मा का ये कार्य दिनों दिन वृद्धि को पा रहा है। उसने अपने लिए जरा भी स्वार्थ नहीं रखा, परिवार के लिए स्वार्थ नहीं रखा, त्याग माना त्याग का भी त्याग। तो जब उन्होंने ये भाव रख करके हमारी रूहानी सेवा की तो आज हमारे अंदर वो भाव बाबा का बैठ गया कि बाबा ने कैसे हम बच्चों की सेवा की, उनका कौन सा हमारे में स्वार्थ। तो हम बच्चों का फर्ज भी ये है कि समाज की ऐसी सेवा करें। तो हम आप लोगों को भी कहते हैं कि भगवान ने आप सभी बच्चों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर बाबा ने सेवा केंद्र खोल दिए हैं, जिससे आपको परमात्मा का संदेश मिले और आप अपनी जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, कर्मों को श्रेष्ठ बना सके, क्योंकि कर्मों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। कर्म जब विकर्म बन गए तभी हम दुखी हुए हैं, परंतु कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो उनके लिए ज्ञान भी चाहिए, उनके लिए परमात्मा की याद भी चाहिए। परमात्मा की याद की शक्ति से हम अपने विकर्मों को नाश कर सकते हैं। अब भगवान के बहुत सहज स्पष्ट शब्द है हमारे प्रति, हम बच्चों के प्रति, सबके प्रति, बच्चे तुम सिर्फ अपने आप को आत्मा निश्चय करो और निश्चय बुद्धि होकर के मुझे बाप से योग लगाओ। योग लगा मना संबंध की तार जुटी रही, जैसे आपकी अपने बच्चे के साथ जुटी हुई है, आपके अपने पति के साथ जुटी हुई है, तार जुटी हुई है, याद ऑटोमेटिकली आती रहती है। ऐसे हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हैं, ये अगर निश्चय पक्का हो जाए और हमारा परमात्मा से संबंध जुट जाए तो उस संबंध से शक्तियाँ बहुत आती हैं। उन शक्तियों से भय भी खत्म हो जाता है, ये सब जो बीमारियां मैंने आपको बताई ये सब बीमारियां खत्म हो जाती हैं, परंतु उसको रोज रोज हम स्मृति में ले आते हैं। आज 60 साल हुआ हम अपना क्लास मिस नहीं करते हैं, भगवान के माँ बाप को हर रोज सुनते हैं, क्योंकि हम समझते हैं जन्म जन्मांतर के रोगी हैं तो दवाई हर वक्त चाहिए। शुगर पेशेंट को दवाई खानी पड़ती है, कुछ न कुछ खाना पड़ता है। ऐसे ही हम समझते हैं कि जन्म जन्मांतर का जो विकारों का बोझ हमारे अंदर गया, अब उससे हमको मुक्त होना है तो श्रेष्ठ कर्म करना है, दिव्य गुणों की धारणा रखनी है और परम पिता परमात्मा को कर्म करते हुए भी याद करना है। प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना है, न बाबा ने छोड़ा न हम सब ने छोड़ा है। आप सबको भी अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए सिर्फ सेंटर में एक बार जा करके और योग का थोड़ा अभ्यास करना है, और बीच बीच में थोड़ी अपने टीचर्स बहनों के साथ थोड़ी अपने जीवन के बारे में राय सलाह भी लेते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारी यही आशा है आपका यहाँ आना सफल होगा तब जब आप, इस विद्यालय की फी है 1 आना, आप दे सकेंगे 1 आना, आपके जेब में है 1 आना? आप कहेंगे बहन जी पता नहीं कौन सा आना मांगती हैं। 1 आना माना एक बारी आपको सेंटर में आना है। जब 1 आना फी देंगे और कुछ नहीं, 1 आना फी देंगे तो आपके जेब में जो 5 कोटे पैसे पड़े ना, 5 नहीं काफी सारे कोटे पैसे पड़े हुए हैं आत्मा के जेब में, वो सब निकल जाएंगे।
और आत्मा साफ हो जाएगी, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आत्मा बिल्कुल खुशी में आ जाएंगी, तो आत्मा को और क्या चाहिए। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। सुख मनुष्य आत्मा का मौलिक गुण है। हर एक मनुष्य अपने जीवन में सुख से जीना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन उस प्रयत्न के मूल में सुख प्राप्त करना ही समाहित होता है। चाहे व्यक्ति धन कमाकर धनवान बनना चाहता है, सुख संपत्ति के साधन जुटाना चाहता है, तो भी वो उसे सुख प्राप्त करना चाहता है। चाहे कोई पढ़ लिख कर ऊंच पद प्राप्त करता है, चाहे कोई कला के द्वारा या विशेषता के द्वारा नाम कमाता है, तो भी वो सुख ही प्राप्त करना चाहता है। सुख में जीवन सहज अनुभव होता है और दुख में जीना उसके लिए मुश्किल होता है। दुख में 4 दिन भी व्यक्ति सहज रूप से नहीं काट सकता। अगर ये दुख ज़्यादा लंबा समय चलने लगता है तो मनुष्य को कई बार मरने तक का ख्याल आता है। तो यानी दुख अप्राकृतिक है और सुख प्राकृतिक है। अगर सुख प्राकृतिक है तो फिर हम कभी सुखी और कभी दुखी क्यों होते हैं? उसका कई कारण है। कहा गया है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है और इंद्रियों का आकर्षण या इच्छाएँ दुख का कारण है। अगर इच्छाओं की आपूर्ति नहीं होती है, तो दुख उत्पन्न होता है। अपवित्रता क्या है? अपवित्रता मन वचन कर्म में विकारों का प्रभाव होना, चाहे वो काम है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सभी नकारात्मक वृत्तियां मन के सुख की स्थिति को समाप्त करती हैं। उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो 5 मिनट भी अगर वो जोर से क्रोध करता है तो वो कई घंटों तक अपने मन को अशांत कर लेता है। और वो स्वयं को ही अशांत नहीं करता है लेकिन दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है, उसके संबंध बिगड़ जाते हैं, उसका शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार क्रोधी वृत्ति वाले मनुष्य कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार लोभ अगर मनुष्य के अंदर है तो हो सकता है कुछ समय के लिए मनुष्य महसूस करे कि मैंने कुछ लाभ प्राप्त किया है, लेकिन अंतिम परिणाम उसका दुखद ही होता है। क्योंकि वो यदि मिलावट करता है लोभ के फलस्वरूप, या रिश्वत लेता है, या किसी को धोखा देता है, या चोरी करता है, तो भी उसकी मन की शांति तो समाप्त होती ही है। तो अपवित्रता चाहे उसका छोटा रूप ही क्यों ना हो, चाहे ईर्ष्या ही क्यों ना हो, ईर्ष्या वाला व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो स्वयं तो जलता ही है लेकिन दूसरों तक भी उसकी वो ईर्ष्या नुकसान पहुंचाती है। जिस व्यक्ति से वो ईर्ष्या करता है उसके आगे बढ़ने में वो बाधा उत्पन्न करता है। तो कोई भी विकार मन का सुख समाप्त करता है। इसी प्रकार से इंद्रियों का आकर्षण, इंद्रियों के आकर्षण में कई बार मनुष्य अल्पकालीन सुख जरूर अनुभव करता है लेकिन उसका अंतिम परिणाम दुखद ही होता है। यदि समझो स्वादेंद्रिय के वश होकर के मनुष्य ज़्यादा भोजन करता है, जब वो ज़्यादा भोजन कर लेता है तो उसके बाद उसे उदर रोग के रूप में, कोई ना कोई पेट की बीमारी के रूप में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और यही आदत अगर उसकी बनी रहती है लंबे समय तक तो हो सकता है कि ज़्यादा खाने से वो मोटा हो जाए,
और मोटापा स्वयं में एक बीमारी तो है ही है, लेकिन बाद में वो अनेक अन्य बीमारियों को भी जन्म देती हैं, जैसे हृदय रोग हो जाना, उच्च रक्तचाप हो जाना। तो थोड़े समय का स्वाद जो है उसे लंबे समय के लिए तो दुख का ही भागी बनाता है। और दूसरी इंद्रियां चाहे आँख का सुख है, आँख का सुख व्यक्ति के लिए है कि वो किसी भी सुंदर दृश्य को देखता है, सुंदर चीज को देखता है या सुंदर व्यक्ति को देखता है, तो वो देखने से ही उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। अब मनुष्य की हर सुंदर चीज या सुंदर व्यक्ति को पा तो नहीं सकता है, और अगर उसे वो प्राप्ति नहीं होती है तो उस अप्राप्ति के कारण उसे फिर दुख उठाना पड़ता है, तो अंतिम परिणाम उसका दुखी है। इसलिए सच्चा सुख इंद्रियों के आकर्षण में नहीं है, सच्चा सुख तो मन की स्थिति है, और मन की स्थिति को कोई धन से या साधनों से या व्यक्तियों से खरीदा नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर धनवान होकर के सुख पा सकता होता तो मैं समझती हूँ कि शायद संसार के सभी धनवानों को तो सुखी होना ही चाहिए, पर क्या सचमुच वह सुखी हैं, ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं। तो देखा जाए तो धन सुख के साधन जरूर जुटा सकता है, लेकिन मन का सुख नहीं दे सकता है। क्षणिक सुख जरूर उससे मिल सकता है, ऐसे ही सुख से जो साधन धन से जो साधन मिले हैं, चाहे वो समझ लो कि अगर किसी के पास कार है और वो कार अच्छी स्थिति में है तो वो बिना कठिनाई के यात्रा करने का सुख अनुभव करता है, और यदि किसी कारण से कार खराब हो जाती है तो वही उसको दुख का भी अनुभव कराती है। कोई व्यक्ति अगर आज सुख दे रहा है, उसके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, निस्वार्थ स्नेह है, वही व्यक्ति अगर कोई आपसे उसका स्वार्थ पूरा ना हुआ हो, या उसने आपका कोई अवगुण देख लिया हो, या कोई कमी देखी हो, या आपके बारे में कुछ बुरा सुना हो, तो वही व्यक्ति दुख देने का भी कारण बन सकता है। तो व्यक्ति और संपत्ति दोनों ही अविनाशी सुख नहीं दे सकते। अविनाशी सुख प्राप्त करने का आधार है हमारे स्वयं का श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्म। हम सभी जीवन में अनुभवी हैं कि जब भी हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, समझो आप किसी को निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, किसी के दुख में सहायता पहुंचाते हैं, तो उस समय आप जो सुख का अनुभव करते हैं, जो आनंद, जो संतोष का अनुभव करते हैं, वो संतोष आप और किसी चीज़ से नहीं प्राप्त कर सकते। तो श्रेष्ठ कर्म हमेशा हम कैसे करें और हमारी श्रेष्ठ वृत्तियाँ हमेशा कैसे बनी रहें, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान जिसे हम सहज राजयोग का नाम भी दे सकते हैं। अगर विभिन्न परिस्थितियों में या कठिन परिस्थितियों में मनुष्य अपने मन का संतुलन बनाए रख सकता है, क्योंकि दुख का अनुभव जैसा कि हमने कहा मन की स्थिति है, अगर विपरीत परिस्थितियों में मन दुख का अनुभव करता है और यदि हम दृष्टिकोण का परिवर्तन कर लें उनके प्रति, तो वही परिस्थिति हमें सुख का भी अनुभव करा सकती है, और ये दृष्टिकोण का परिवर्तन ज्ञान से संभव है। और संतुलन, मन के संतुलन का मतलब है कि निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, जो भी स्थितियाँ चाहे वो अच्छी आती हैं चाहे वो बुरी आती हैं, उनमें बहुत अच्छी परिस्थितियों में हम बहुत खुश ना हो जाएं और बहुत दुखी परिस्थितियों में हम बहुत दुखी ना हो जाएं, तो हम सदा सुख का अनुभव करते रह सकते हैं। परमात्मा चिंतन तरीका है सुख को, अविनाशी सुख को प्राप्त करने का, क्योंकि जब भी आत्मा परमात्मा के समीप होती है तो परमात्मा सुख का सागर है, और सुख के सागर के समीप जाते ही उसके सुख के जो प्रकंपन है वो आत्मा ग्रहण करती है, और उस सुख के बाद जो वो तृप्ति का अनुभव करती है, वो तृप्ति से उसके जीवन की हर अन्य परिस्थितियों में भी जो उसे दुख का अनुभव करा रही हैं वो उन्हें सहज पार कर सकती हैं। जप ले शिव जी का नाम मनवा,
जप ले शिव बाबा का नाम मनवा, जप ले शिव जी का नाम, जप ले उसके नाम से बन जाएंगे, उसी के नाम से बन जाएंगे, तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले शिव बाबा का नाम मनवा, जप ले शिव बाबा का नाम, नाम तो वो को धनवान बना दे, नाम समर्तो नारायण की एक पहचान करा दे, नाम समर्तो नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे, मतलब एक है राम कहे या, मतलब एक है राम कहे या कह दे रहे मान मनवा, जप ले शिव बाबा का नाम मनवा, जप ले शिव बाबा का नाम, ओ जप ले शिव बाबा का नाम मनवा, जप ले शिव बाबा का नाम, सपने को अपना समझे तू रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे भागे हाथ कचू नहीं आए, परछाई के पीछे भागे हाथ कचू नहीं आए, हाथ कचू नहीं आए, नाम के पेड़ की छाँव तले तू, नाम के पेड़ की छाँव तले तू, कर ले कुछ विश्राम मनवा, जप ले शिव बाबा का नाम मनवा, जप ले शिव बाबा का नाम, जप ले शिव बाबा का नाम मनवा, जप ले शिव बाबा का नाम मनवा, जप ले शिव बाबा का नाम, बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, शांति